पालनपुर के लिए आपको जाना है लेफ्ट 36 किलोमीटर, दांता यहाँ से 3 किलोमीटर और अंबाजी है 23 किलोमीटर। सामने आपको जो दिख रहा है ना वो है अंबे माँ का मंदिर। पता नहीं क्यों लेकिन गुजरात की गाड़ियाँ मुझे ज्यादा दिख रही है। आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके रूम से बड़ा तो आपका वॉशरूम। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका एक बहुत ही शानदार रोड से। और एक्चुअली में जिन लोगों ने हमारे पिछले वाले सापूतारा वाले वीडियोस देखे होंगे उनको पता होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और जो लोग नए उनको मैं बता देता हूँ। सो एक्चुअली में हम लोग जा रहे हैं राजस्थान राइड पर जा रहे हैं। और एक्चुअली में ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी राइड होने वाली है और काफ़ी शानदार राइड होने वाली है। उस पूरी सीरीज़ का आज हमारा पहला एपिसोड है। आज अभी जस्ट हम लोग 5 मिनट पहले अपने घर से निकल चुके हैं और राजस्थान के जो ऑलमोस्ट सारे फेमस टूरिस्ट प्लेस है ना, फेमस सिटीज़ है, उनको हम कवर करने वाले, फेमस साइट्स हैं उनको हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ में। और सबसे पहले आज हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताना चलूँगा, लेकिन आज है डे वन और आज हम लोग जा रहे हैं माउंट आबू के लिए। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 और अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले अपने घर से मैं निकल चुका था। तो मे बी मतलब रोड कंडीशन अच्छी मिली, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स 4 से 4.5 घंटे में पहुँच जाने वाले हैं माउंट आबू के लिए। और जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि माउंट आबू जाते टाइम आबू रोड से जो 20 से 30 किलोमीटर वाली जो चढ़ाई है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त है। पहाड़ों में चढ़ाई होने वाली है हमारी, तो वहाँ का अगर वेदर अच्छा रहा तो मैं आपको अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा, नज़ारा दिखाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, क्योंकि आगे भी ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ आने वाले हैं लगातार। सो डू सब्सक्राइब। यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, आई थिंक सो, मैप में तो दिखा रहा है। देखो अगर आप राइट साइड पे जाओगे ना तो इधर हिम्मत नगर आएगा, और लेफ्ट साइड पे जाओगे तो अंबाजी आएगा। एक्चुअली में अंबाजी जो है वो गुजरात बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही है, और उसके आगे से राजस्थान बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, तो हमें जाना है अंबाजी की तरफ। ये देख लो, ये वाला जो है ना वो हिम्मत नगर और इधर जाता है, और हमें जाना है लेफ्ट अंबाजी के लिए। तो गाइस अभी हम लोगों ने 5 मिनट की एक छोटी ब्रेक ले ली यहाँ पर, और एक्चुअली में अपडेट ये है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर बाकी है माउंट आबू। सो हम लोग डायरेक्टली अब माउंट आबू के लिए ही जाने वाले हैं। बीच में अंबाजी आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग रुकने नहीं वाले, डायरेक्टली हम लोग माउंट आबू जाने वाले हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे नज़ारे देखो एक बार खाली, जबरदस्त खुले खेत, पहाड़ी पहाड़। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। सो फिलहाल के लिए तो अपडेट यही है, अभी थोड़ी देर यहाँ पर रुक के बढ़ते हैं आगे की ओर। सो देख लो एक बार फिर से, ये बेसिकली यहाँ पर मैं रुका था, काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारे, और अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे। चलो रेडी निकलते यहाँ से। हर महादेव। अभी ओनली बचा है 106 किलोमीटर, होपफुली बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे हम लोग। भाई साहब क्या ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से। अभी मैं आपको जो दूर से दिखा रहा था ना वो पहाड़ जो थे वो हमारे बिल्कुल पास में आ चुके हैं, अब देख लो आप। और शायद गोप्रो में वाइड एंगल सेट है इसलिए आपको थोड़े दूर लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये काफ़ी पास है और बहुत ही बड़े दिख रहे हैं।
जबरदस्त। पालनपुर के लिए आपको जाना है लेफ्ट 36 किलोमीटर, दांता यहाँ से 3 किलोमीटर और अंबाजी है 23 किलोमीटर, ये देख लो। ओके, हमें राइट जाना है भाई साहब। सो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं माँ अम्बे के दरबार में। देख लो, ये अंबाजी माता का जो मंदिर है, इस जगह का एंट्री गेट था एक्चुअली में। और यहाँ पर आते ही आपको बहुत सारी मार्बल की फैक्ट्रीज दिख जाएगी। देख लो आप, हर जगह पे मार्बल ही मार्बल, देख लो हर जगह पे मार्बल। और बस यार, यहाँ पर से सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पर है माँ अम्बे का मंदिर, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी तो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है हमें, मैं आपको बाहर से दर्शन करवा देता हूँ मेन गेट से। ये देख लो, एक्चुअली में अभी मेरे GoPro की बैटरी जस्ट बंद हो गई, मतलब ख़त्म हो गई, और GoPro मेरा स्विच ऑफ हो गया। देख लो सामने आपको जो दिख रहा है ना, वो है अम्बे माँ का मंदिर। और अब एक्चुअली में ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है, इस तरफ से हम लोग अभी आए और हमें इस तरफ आगे जाना है माउंट आबू के लिए। देख लो, ये है माँ अम्बे का मंदिर। जय माँ अम्बे। सो गाइस, अभी आई थिंक यहाँ से आबू रोड का जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 5 से 7 किलोमीटर का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे आबू रोड। माउंट आबू की अगर हम लोग बात करें तो माउंट आबू यहाँ से है 36 किलोमीटर, मतलब अभी 5-10 मिनट में हम लोग आबू रोड पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू होने वाली है, मज़ा आने वाला है। देख रहे हो, मतलब जितने भी अड्डे आ रहे, रेस्टोरेंट आ रहे हैं, पता नहीं क्यों लेकिन गुजरात की गाड़ियाँ मुझे ज़्यादा दिख रही है। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट में कि क्यों खड़ी है, जहाँ पर भी देख रहा हूँ गुजराती खड़ी है, गुजराती खड़ी है भाई। अभी तो बॉर्डर के अंदर एंट्री की नहीं है कि गाड़ी स्टॉप। भाई साहब, अगर आपको पता है उस चीज़ का तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें कि गाड़ी आखिर खड़ी क्यों है। प्रभुदाचल की पावन धरा पर आबू रोड नगर में आपका हार्दिक स्वागत है। देख लो, अभी हम लोग ऑफिशियली पहुंच चुके हैं आबू रोड, और यहां से बस कुछ दूरी पर माउंट आबू की जो चढ़ाई है वो शुरू होने वाली है। दिखाता हूं मैं आपको कि एक्चुअली में कहां से होती है। अभी हम लोग आबू रोड पे ही है, देख लो आप, ये यहाँ की मार्केट है। और एक चीज़ और कि अगर आप बाय ट्रेन या बस माउंट आबू आते हो और आबू रोड पे उतरते ही आपको अगर रेंट पे बाइक चाहिए ना, तो यहाँ पर रेंट पे भी बाइक मिल जाती है। एक्चुअली में मैंने की है एक बार मेरे दोस्तों के साथ। तो अगर आप खुद की बाइक लेकर नहीं आते और यहाँ से बाइक रेंट करना चाहते हो तो भी मिल जाती है। आप सिंपली गूगल कर सकते हो या फिर जस्ट डायल में जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लो, बेसिकली ये है आबू रोड रेलवे स्टेशन। माउंट आबू के लिए अगर आप बाय रेलवे आते हो तो ये है रेलवे स्टेशन यहाँ का, आप यहाँ पर ही उतरोगे। ये देख लो, और यहाँ से बाय ऑटो या फिर बाय टैक्सी आप माउंट आबू तक पहुँच सकते हो। भाई साहब, क्या ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हैं, मतलब वहाँ पर किसी का खेत है। देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, मतलब माहौल जो है वो पूरा ठंडा होता जा रहा है और ग्रीनरी बढ़ती जा रही है, बादल आते जा रहे हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन माहौल बहुत ठंडा होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। और हाइट देखो यार, कहाँ पहुँच गए हम लोग, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गुरु शिखर पर क्या हाल होगा यहाँ पर ऐसा है तो। बाय द वे, गुरु शिखर जो है ना, वो माउंट आबू का सबसे, बोल सकते हो आप, माउंट आबू का नहीं बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे टॉप पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो माउंट आबू है वो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है, तो उसी में जो गुरु शिखर है ना वो सबसे टॉप पीक है माउंट आबू का और पूरे राजस्थान का। कल हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पर, सो कल का वीडियो मिस मत करना। और अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए और ये पूरी सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मज़ा आने वाला है। आगे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है पूरे राजस्थान के, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।
फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं माउंट आबू। ये देख लो, माउंट आबू का बेसिकली ये गेट है और आपको यहाँ से एंट्री लेनी है पर्ची वर्ची कटवा के। सो देख लो, यहाँ पर आपको 20 रुपये की पर्ची देनी पड़ेगी। बेसिकली ये अनऑफिशियल नहीं है, ऑफिशियल है नगर पालिका की तरफ से। ये देख लो, 2 व्हीलर के लिए 20 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 50, टैक्सी के लिए 50 और आई थिंक गाड़ी के लिए भी 50 ही होगा। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देख लो यहाँ पर रेट लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। बेसिकली मेन मेन जो रेट थे वो मैंने आपको बता दिए। 4 व्हीलर के लिए आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे और 2 व्हीलर्स के लिए 20। और यहाँ से माउंट आबू स्टार्ट हो जाता है। ये देख लो, आबू पर्वत पर आपका हार्दिक स्वागत है जी, धन्यवाद। सो हे गाइस, फाइनली अभी हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं। होटल में चेक इन हमने कर लिया है और एक्चुअली पिछले मतलब एक बोल सकते हो आप 1.5 घंटे से मैं यहाँ पर पहुँच चुका था, लेकिन कहीं पे होटल मिल ही नहीं रही थी मुझे। मतलब मिल रही थी लेकिन जो उनके प्राइस वो बता रहे थे ना, मतलब मुझे तो कुछ कुछ हो रहा था अंदर से। फिर एक बहुत ही अच्छी होटल है, मतलब बोल सकते हो आप माउंट आबू जो बस स्टैंड है ना, वहाँ से 2 किलोमीटर की बाहर की साइड पे है और यहाँ का लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, होटल भी बहुत अच्छी है और उसके रूम भी छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये देख लो। इस पर मत जाना, अभी अभी आया हूँ मैं। ये होटल है मेरी और ये होटल का वॉशरूम। और बताए, होटल में आते ही सबसे पहली कॉमेडी क्या हुई? मैंने उनको बोला कि भाई आपके रूम से बड़ा तो आपका वॉशरूम है। और सच में ऐसा ही है, ये आप रूम देख सकते हो छोटा सा और उससे बड़ा तो मुझे वॉशरूम लग रहा है यहाँ का। मैंने ये पर्टिकुलर होटल क्यों चूज़ की, रूम तो खैर अच्छे है ही है, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको जिसकी वजह से मैंने ये होटल बुक की। भाई साहब जाने दो मिनट। हाँ, ये देखो यहाँ से व्यू देखो आप। यहाँ पर शाम के टाइम पे उन्होंने बोला कि चेयर वेयर लग जाएगी, आप आराम से बैठ सकते हो और वो नज़ारे देखो। और मैंने उनसे ऑलरेडी बात कर ली है और यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर से काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, तो शाम के टाइम पे हम लोग ऊपर भी जाने वाले हैं। और एक्चुअली मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि भाई यहाँ पर हम लोग ड्रोन उड़ाने वाले हैं, शूट करने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उड़ा सकते हो और काफ़ी अच्छी लोकेशन लगी, इसलिए हमने ये वाला होटल चूज़ किया है। देखते हैं अभी अगर इनकी सर्विस अच्छी हुई तो आपको होटल का नाम भी बता देंगे, प्रमोशन भी कर देंगे अगर इनकी सर्विस अच्छी लगी तो, अदरवाइज़ नहीं लगी तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। लेकिन अगर अच्छी लगी, सब कुछ सही रहेगा तो मैं आपको ये होटल ज़रूर सजेस्ट करूँगा। 2 दिन रुकने वाला हूँ मैं यहाँ पर, 2 दिन का ऑलरेडी मैंने पेमेंट कर दिया है, देखते हैं।